हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर सेकंड है, डाइवर्सिटी प्रिजिडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का जो सेकंड पार्ट है बेटा, जो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो डाइवर्सिटी क्या चीज होता है, व्हाट इज द डाइवर्सिटी, प्रिजिडिस क्या चीज होता है, देन व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो है हमने प्रिजिडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में स्टडी किया। साथ ही साथ डिफरेंट रूप से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर हो या फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन और आपके जो कलर के अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसके बारे में हमने जो फर्स्ट जो पार्ट है वहां पर देखा है। आपको अगर वीडियोस नहीं देखा है तो आप ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा है वहां पर आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो आज का जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका, कि जो हमारा क्या होता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, मीन्स जो क्या होता है कि एक जो धारणा बना ली जाती है कि जो कुछ जो ऐसे जो हमारे सोसाइटी में एक ऐसी जो पुरानी जो चली आ रही जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, या फिर एक ऐसी जो सोच चली आ रही है जिसके कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिजुडिस है, वो होता है, उसके कारण से ही जो हमें जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है। अब ये जो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, ये जो स्टीरियोटाइप एक जो पहले से पुरानी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है चली आ रही है, एक जो सोच चली आ रही है, स्टीरियोटाइप होता क्या चीज है। स्टीरियोटाइप इज अ जनरलाइजेशंस और एन अजम्पशंस पीपल मेक अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मीन्स एक सामान्य जो धारणाएं जो चली आ रही है लोगों के मन में, एक जो सोच रहता है कि जैसे कहा जाता है कि गर्ल्स, ओनली गर्ल्स आर क्राइम, मीन्स जो ये ओनली गर्ल्स क्राइम, सिर्फ बच्चियां हैं, महिलाएं हैं वो रोती हैं, बॉयज हैं, मेन है वो रोते नहीं है, ये ट्रू है क्या है। यहाँ पर भी आप बेटा बहुत सारे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, देखे होंगे आपको भी कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है जब क्राई करने की जरूरत पड़ती है, या फिर यहाँ पर कहा जाता है कि जो मेन है वो सिर्फ आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर मेन और साथ ही साथ वुमेन है वो भी आर्मीज है, आपके जो हमारे जो नेवीज है या फिर आपके जो एयरफोर्स है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर जनरलाइजेशंस दैट आर वेरी ऑफ्टन नॉट ट्रू, बट ये जो चीजें हैं वो बस एक सोच है ना, लोगों के मन में एक धारणा है कि भाई सिर्फ बच्चे जो है गर्ल्स हैं वही रोती है, बट ये एक्चुअली जो प्रूफ नहीं है, ट्रू नहीं है, कोई भी रो सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, कोई भी जो है क्राई कर सकते हैं। सो यहां पर जो डिफरेंट जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रिजुडिस जो है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो बस एक जो चली आ रही जो सोच है, एक परंपरा है, उसके कारण से होता है। सो ये जो हमें जो ये जो स्टीरियोटाइप्स है उसको क्रिएट नहीं होने देना है, ये जो धारणा है उसको हमें दूर करना है, उसको हटाना है, तो इसके लिए हमारी जो सोच है उसको बदलनी होगी। यहां पर बेटा एक जो चीज है, उत्थापुरम का जो उसका जो एक स्टोरी बताया गया है, एक जो पेपर में जो आर्टिकल आया था द हिंदू में काटी आया था कि जो पुलिंग डाउन द वॉल ऑफ सेम, यहां पर इस शॉर्ट में एक स्टोरी इसमें बता देता हूं कि क्या चीज था, कि यहां पर जो एक जो गांव था, जो आपका जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु है वहां का एक जो विलेज था उत्थापुरम, वहां पर एक जो चीजें थी कि जो गांव है दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था, एक साइड जो है गांव का जो पार्ट्स है वहां पर एक वॉल, एक जो दीवार खड़ा कर दिया गया था, एक साइड जो दलित जो पॉलिटिंग जो पीपल्स होते थे, मीन जो अनटचेबल लोअर कास्ट वाले जो लोग रहते थे, और एक साइड जो है अपर कास्ट या फिर जो अच्छे जो लोग थे वो रहते थे, यहां पर एक दीवार था, इसके ऊपर से अब जो क्रॉस ना कर सके इसके लिए यहां पर करंट भी लगाया गया था, ताकि इधर से जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल्स हैं वो अपर कास्ट की ओर ना आ सके। यहां पर लगभग जो 2000 जो फैमिलीज हैं, जो पीपल्स हैं वो इस साइड रहते थे, जो मींस लोअर कास्ट वाले जो एरियाज पर रहते थे, और इनकी मेजोरिटी भी ज्यादा थी, बट इधर जो है अपर कास्ट वाले जो या फिर जो रिच जो पर्सन थे वो इनको अलाउ नहीं करते थे। पर बाद में ये जो चीजें आई, न्यूज़पेपर में आया गया, फिर इस दीवार को गिराया गया और यहाँ पर जो भेदभाव है उसको दूर किया गया, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये जो दीवार खड़ा हुआ था इसके कारण से क्या होता था कि यहाँ पर भी जो जो इस साइड जो भी चीजें हैं
वो इस तरफ के जो लोग हैं उनको वो यूज नहीं कर सकते थे, बेटर जॉब नहीं मिल सकता था, जो मेन जो रोड्स थे वो इधर ही से ही गए हुए थे। तो इस कारण से जो इस जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल्स हैं वो डिस्क्रिमिनेट होते जा रहे थे, उनके जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल जो स्टैंडर्ड्स है वो नीचे जा रहा था, उनके इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वो गिरते जा रहा था। बट ये जो यहाँ पर जो दीवार है उसको गिराया गया, फिर जो है लोगों के लिए कॉमन जो है जो सिस्टम बनाया गया कि कोई भी जो लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये तो एक जो है एक छोटा सा जो एरिया था वहां पर एक गांव में हुआ था। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे इंडिया में, इस टाइप की जो डिफरेंट जो चीजें हैं हमें डिफरेंट पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा बेटा। सो ये तो एक छोटा सा जो स्टोरी है। अब यहाँ पर हम जो स्टोरियोटाइपिंग की बात कर रहे थे, मिस एक जो धारणाएं जो चली आ रही है, जो सोच था, एक जो विचार था लोगों के मन में कि ऐसा है। सो देयर आर मोर डेंजरस टाइप्स ऑफ स्टोरियोटाइपिंग। एक तो हमने नॉर्मल देखा कि जो सिर्फ गर्ल्स जो है वो क्राई करते हैं, या फिर आर्मी में सिर्फ मेन जा सकते हैं, वुमेन्स नहीं जाते हैं, तो ये तो आपका जो नॉर्मल रहता। बट यहाँ पर कुछ जो डेंजरस टाइप के जो स्टोरियोटाइप्स है, मिस जो एक पहले से जो धारणाएं बनी गई, सोच बन गई है, सो विच हैव resulted in the large scale killing of people of a particular group or race. Means, अब ये जो कुछ जो dangerous type के जो stereotypes होता है, उसका एक effect ये पलता है कि जो large number of जो peoples हैं वो किल्ड हो जाते हैं, मीन्स लोग जो है मारे जाते हैं ये जो स्टीरियोटाइपिंग के कारण से, ये जो लोगों की मन में जो फीलिंग्स है, जो धारणा है, एक जो सोच है उनके कारण से। जैसे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो जो जेव्स थे, जो आपके जो आपके हिटलर जो थे, जर्मन की बात हो रही है यहाँ पर, जर्मनी की बात हो रही है, तो हिटलर जो थे और उनके जो फॉलोअर जिसे नाजीस कहा जाता था, उनके द्वारा जो मिलियंस ऑफ जो जेव्स हैं, जो एक सोसाइटी के जो पीपल्स है, जैसे हमारे यहाँ जो लोअर कास्ट की बात करते हैं, दलित जो पीपल्स कहते हैं, तो उस तरीके से वहां पर भी जर्मनी में भी एक जो ऐसा जो सोसाइटी था, एक ऐसा जो कम्युनिटी था जिसे जेव्स कहा जाता था, तो उनके जो लोगों को मार दिया गया, क्योंकि वो जो है रेशियली जो है क्या थे, इम्प्योर थे, मीन्स उनका जो खून था वो प्योर खून नहीं था, उनका ब्लड प्योर नहीं था। सो उनको वो लोग कमजोर समझते थे, उनको उतना अहमियत नहीं देते थे, जिनके कारण से मिलियंस ऑफ जो पीपल्स है, मीन्स लाखों जो लोगों को मार दिया गया, और मारने का भी तरीका जो है बहुत क्रूर होता था। उनको मारने के लिए जो गैस जो चैम्बर्स है, मीन्स एक जो बड़ा सा हॉल होता था, रूम होता था, वहां पर उनको लोगों को डाल दिया जाता था, और वहां पर जो जहरीली गैस है वो छोड़ दिया जाता, ताकि जो लोग हैं एक साथ मर जाए। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो रेशियली जो इम्प्योरिटी वाली जो उनकी जो स्टीरियोटाइप थी, उनकी जो सोच थी, उनके कारण से जो मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं उनको मारा गया। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। देन स्टीरियोटाइपिंग अकर्स व्हेन वी आर अनेबल और अनविलिंग टू सर्च फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन वी वुड नीड टू मेक अ फेयर जजमेंट अबाउट पीपल। अब यहां पर ये जो स्टीरियोटाइप्स है वो क्यों आता है सामने, वो क्यों होता है, या फिर हमारे मन में, लोगों के मन में पहले ये धारणा क्यों आई, तो इसका जो एक मेन रीजन था कि भाई हम जो है सत्य जो चीज है, जो ट्रूथ है, उसको जानना नहीं चाहते, या फिर कोई जो चीजें हम सुन रहे हैं तो उसके बारे में और हम कोई जो है रिसर्च नहीं करना चाहते, कोई हम चीज और जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते, और जो सुनी सुनाई जो बातें हैं उसी को हम ट्रूथ मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अनफेयर जो जजमेंट है वो हम कर लेते हैं, मीन्स जो हम ऐसा जो डिसीजन ले लेते हैं जो किसी पर्सन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, या फिर किसी जो विलेज है, टाउन से, उसके लिए वो सही नहीं होता है। सो ये जो जनरलाइजेशन है, जैसे यहाँ पर सच जनरलाइजेशन ऑफ्टन लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स ये जो हमारे जो सामान्य जो सोच है, जो पहले से चली आ रही जो धारणा है जिसको हम मानते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, स्पेशली व्हेन द स्टीरियोटाइप इज अनफेवरेबल, मीन्स ये भेदभाव होता है और लोगों को नुकसान इससे उठाना पड़ता है जब ये जो अनफेवरेबल होता है, मीन्स किसी के फेवर में ये नहीं होता है।
जैसे हम बोलते हैं कि ये जो जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लासरूम में बात आते हैं बड़े, कुछ जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, अब उसके टीचर्स के मन में ये जो है ये थिंकिंग आ गई कि जैसे मैं कोई नया क्लास में टीच करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, और मुझे बताया गया कि वहां के जो है बच्चे तो बहुत ही ज्यादा वीक है, डल है, तो अब मेरे मन में पहले से वो एक्सप्रेशन आ गया, फीलिंग आ गया कि भाई यहाँ के बच्चे तो, इस क्लास के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मैं क्यों वहां पर ज्यादा मेहनत करूं, बच्चे तो कुछ करते नहीं है, वो डल है वो। ये जो चीजें हैं वो पहले से मेरे मन में एक स्टीरियोटाइप आ गया, और वो बच्चों के फेवर में नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं अगर बेहतर टीच कर रहा हूँ, बेहतर जो है वहां पर मेहनत कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बच्चे जो है वो अपने से प्रयास करे और वो बेहतर करके दिखाए, या फिर उसमें कोई डिफरेंट जो टैलेंट हो तो मैं उसको आगे ला सकता हूँ। तो ये जो हमारा जो स्टीरियोटाइपिंग है, हम जो पहले से सोच लेते हैं, मान लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो लेकर आता है। ये जो है, वी हैव स्टीरियोटाइप्स अबाउट पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर रीजंस और स्टेट्स अबाउट पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट और रीजंस अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो हम ये जो कंस्टेंटली हमारे पास जो स्टीरियोटाइपिंग जो चलते रहता है, हमें जो लोगों के बीच हम जो है एक जो निरंतर चलने वाली जो स्टीरियोटाइप्स है, वो एक बार हो गया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोगों के मन में जो वो सोच है, वो कम्युनिटी में, सोसाइटी में, या फिर एक जो डिफरेंट जो कास्ट से रिलेटेड है, कोई जो रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर बॉयज या फिर गर्ल्स से रिलेटेड है, तो ये जो चीजें हैं वो चलती रहती है। अभी भी देखोगे तो हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं उनको लेट नाइट जो है ज्यादा समय तक घर से बाहर अलाउ नहीं किया जाता है, शाम होता है तो उनको कहा जाता है कि वो जो है आप घर आ जाइए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है वो अनसिक्योरिटी जो है वो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे तो उनके साथ कुछ घटनाएं हैं वो हो सकती है। ये जो धारणा है, ये जो थिंकिंग है, वो अभी की नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है, तो इसी को हमें बदलना है। यहां पर कुछ जो चीजें हैं और हमें स्टीरियोटाइप्स के रूप में सुनने को मिलता है कि दस यू कैन हियर पीपल फ्रीली यूजिंग टर्म्स लाइक, अब जो कुछ जो लोग हैं नॉर्मल जो शब्द है उसको यूज करते हैं, लेजी, आप लेजी हो बहुत, या फिर स्टूपिड्स, क्लासरूम में भी आपको सुनने को मिलता होगा है ना, कि किसी स्टूडेंट्स को या फिर आपको भी कभी कभी स्टूपिड वर्ड्स है वो सुनने को, बेवकूफ शब्द है वो सुनने को मिला होगा, रूड है, या फिर आपके जो ग्रीडी है, कोई जो लालची होता है, कहते हैं ना आपके आसपास है, आपके पेरेंट्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, या फिर आपके नेबर्स है, वो आपको कहते सुनने में वो जो है व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, वो लालची है, या फिर स्टिंजी है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कंजूस है। कई जो चीजें वो एक्चुअली में जो है राइट नहीं होता है, भाई हमने कभी उनसे सुना मिले नहीं है और हम उसको क्या कर दिए, लालची बना दिए। और वो जो है मिस्टर जो शर्मा जी है वो बोल रहे थे कि अरे यार वो जो है वर्मा जी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्रेडी है, मिस वो बहुत ही ज्यादा लालची है, भाई हमने तो उनसे मिला नहीं है या आप तो उससे मिले नहीं है, और अब बता दिया गया कि नहीं वो जो लड़का सौरभ है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेडी है या फिर बहुत ही ज्यादा स्टूपिड लड़का है। अब भाई वो जो सौरभ से तो आपने मिला नहीं है, तो फिर आप कैसे बता सकते हो कि वो एक्चुअली में जो है स्टूपिड है कि नहीं है, कि इंटेलिजेंट है। ये व्हेन दे टॉक अबाउट पर्टिकुलर कम्युनिटीज, मीन्स जो है हम एक जो कम्युनिटी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको भी बोल देते हैं कि नहीं यार इस जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं, या फिर वो जो है पोल्यूटिंग वाले जो कास्ट से बिलोंग करते हैं वो साफ सफाई करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो फैमिली है, उनकी पूरी सोसाइटी वो उसी तरीके से है। तो बट एक्चुअली जो हम वहां पर जाके देखेंगे, प्रेजेंटली देखा जाए तो वो जो चीजें हैं एक्चुअली में हमेशा ट्रूथ नहीं होता है। इन केस किसी समय किसी टाइम वो हो सकता है राइट, बट मैक्सिमम टाइम देखा जाए बेटा तो वो जो है ट्रूथ नहीं होता है। अब ये जो ऑल ऑफ अस Have prejudices about people who are different from us. यहां पर क्या होता है कि जो हम जो प्रिजज कर लेते हैं किसी को, पहले से हमारे मन में जो धारणा आ जाती है, हम सोच लेते हैं कि भाई ये जो पर्सन है हमसे अलग दिख रहा है तो या तो उसमें कोई कमी होगी या फिर कुछ और होगा, इसी कारण से वो जो है नॉर्मल नहीं है। कोई जो है ब्लैक स्किन वाली, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस क्लास में, कि भाई जो कोई जो है जिसका स्किन डार्क है तो हम उसको समझ लेते हैं कि नहीं ये इंसान तो सही नहीं है, हम जो है चमक रहे हैं किसके जैसा है, एलईडी बल्ब की जैसे, तो नहीं हम अच्छे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, बट उसका जो स्किन कलर डार्क है वो ब्लैक है
तो नहीं वो पर्सन ठीक नहीं है, बट ये एक्चुअली में देखा जाए तो सही नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलनी होगी। वी शुड स्टॉप एंड थिंक वेदर वी आर बिग एंड फेयर टू दोस पीपल। प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन लेड टू वायलेंस एंड डेथ एज वी सॉ ड्यूरिंग द एंटी सिक्योरिट्स इन 1984 एंड वी कंटिन्यू टू सी एवरी टाइम कम्युनल राइट्स ब्रेकआउट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। मीन्स अब ये जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम जो एक जो प्रेजुडिस बना लेते हैं और उस पर हम जो एक्शन करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो बहुत जगह में कम्युनल राइट्स है, मीन्स जो लोग है जाति के आधार पर लड़ते हैं, धर्म के आधार पर लड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 1984 में जो आपको जो सिख जो एंटी सिख जो राइट्स हुआ था, जो सिख जो दंगे हुए थे, वो जो चीज है उसका एग्जाम्पल अभी करेंट में बेटा आपने जो है प्रीवियस मंथ में आपने देखा था कि जो दिल्ली में जो है कम्युनल राइट्स हो गया था, हिंदू और मुस्लिम है वो आपस में लड़ने लगे थे हनुमान जयंती के दिन। तो ये जो यहाँ पर पूरी जो कम्युनिटी है वहां के जो लोग हैं उनका नहीं होता है, उनका कोई सोच नहीं होता है या फिर उनका कोई जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बट कुछ जो ऐसे जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए या फिर अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस तरीके से जो चीजें हैं वो करते हैं और पूरा जो कम्युनिटी है पूरा जो सोसाइटी है वो उससे क्या हो जाता है बदनाम हो जाता है। तो इसी चीज को हमें संभालना है, इसी चीज को हमें अपनी सोच को बदलनी है ताकि जो इस तरीके से जो हमारी जो सोसाइटी के साथ जो गलत हो रहा है, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको रोका जा सके। We need to put an end to prejudice, discrimination and stereotyping. Each of us has to take brave stand. The next time jokes are made about a particular communities or groups, you could opt not to laugh and voice your protest. जैसे मैंने कहा बेटा कि जो अगर हम इन चीजों को रोकना है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पहले से हमारे मन में जो सोच है, जो धारणाएं जो चली आ रही है उसको हमें रोकना है तो उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। कभी कुछ किसी पर जोक मारा जा रहा है तो संता बंता का जोक आता है वहां पर, सिख पर जोक मार रहे हैं, कहीं पर हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है वहां पर जोक मार रहे हैं, किसी गर्ल्स पर जोक मारा जा रहा है, तो वहां पर हमें जो है उसको प्रोटेस्ट करना है ना कि बिल्कुल ये जो चीजें हैं वो गलत है, हमें इसके साथ नहीं रहना, नहीं तो हम क्या होते हैं कि वो जो जोक सारे उस पर हम हंसने लगे, किसी को जो है चिढ़ाया जा रहा है तब उस पर हम हंसने लगते हैं, हम उसके साथ देने लगते हैं। तो यही से ही जो हमारी जो सोसाइटी में ये जो प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो स्टीरियोटाइपिंग से वो आगे बढ़ते जाता है। तो इसके लिए हमें आगे आना है, हमारी सोसाइटी को हमारे जो लोगों को आगे आना है और इसको दूर करना है। अब यहां पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा कि जो इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक जो हो गया कि जो स्टीरियोटाइपिंग से हमें पहले से जो चली आ रही धारणा है उसके कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानता है उसके कारण से भी हमें जो डिस्क्रिमिनेशन है वो देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है? सो इनइक्वालिटी इज अनदर बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। एक जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मेन जो कारण है, भेदभाव का कारण है, वो इनइक्वालिटी असमानता भी है। इनइक्वालिटीज टेक ऑन वेरियस फॉर्म्स लाइक द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और द जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया, वेल्थ जो संपत्ति का है, कोई जो है बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, या फिर जो कोई जो है मेन है या फिर कोई जो वुमेन है, तो इन पर जो डिफरेंट जो सोच है लोगों की, उनकी जो कम्युनिटी जो थिंकिंग आती है। सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बेस ऑन डाइवर्सिटी। अब ये जो इनइक्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं हम जो डिफरेंसेस की और डाइवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो उस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे थोड़ा हटकर या फिर थोड़ा अलग होता है। अब कैसे होता है अलग? सो यहाँ पर जो एक जो आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मीन जो कोई जो पर्सन है वो रिच है, कोई जो है पुअर है। अब जो रिच का जो उनका बिहेवियर है, उनका जो पुअर्स के प्रति वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और कभी भी जो रिच जो पर्सन है वो पुअर्स को उतना ज्यादा वैल्यूज नहीं देते हैं। सो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इन अ सोसाइटी कॉज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। मीन्स ये जो बेटा आपका जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, तो वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो आर्थिक जो असमानताएं हैं उसको जन्म देता है। So, people who are poor do not have access to good food, clothing, shelter or education.
जो यहाँ पर जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता होगा बेटा कि उनको जो है आपके जो आपको पता होगा कि आपको गुड फूड्स एक अच्छा जो खाना है वो भी नसीब नहीं होता है, या फिर आपको अच्छे क्लॉथिंग्स नहीं मिलते हैं, आपका रहने का जो घर है वो बेहतर नहीं है, आपको बेहतर एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटीज है उसके साथ हमारे बीच आता है। सो द पुअर सफर इफ दे आर इल एज दे कैन नॉट पे फॉर एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर एक गरीब जो है क्या हो गया, बीमार हो गया, अब उसको हॉस्पिटल जाना है तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है, वहां पर ठीक से इलाज भी नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो वहां पर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए बेटा, और जो पुअर्स है उनके पास तो पैसा नहीं होता है, तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो उनको नहीं मिल पाता है। देन एज दे लैक अ गुड एजुकेशन दे आर अनेबल टू गेट गुड जॉब, दस द पुअर गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। अब यहां पर एक चीज और आया कि भाई अब उनके पास एजुकेशन ऑप्शंस नहीं है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, तो अब उनको बेहतर जॉब भी नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो उसके पास इनकम सोर्सेज नहीं होंगे, अब वो गरीब हो गया, ऑलरेडी वो पहले से गरीब है, तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय, अलग अलग तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है। इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड द इश्यूज ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लोअर कास्ट हैव बिकम इंटरट्वेंट्स। मिस अब यहां पर क्या हुआ कि भाई हम इंडिया की बात करें तो गरीबी जो है एक मेन जो समस्या है, और यहाँ के जो अधिकांश जो पीपल्स है वो गांव में निवास करते हैं, गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं तो उनके साथ जो गरीबी है उनका तो नाता ही जुड़ा हुआ है। अब यहां पर जो इंडिया में जो पॉवर्टी और जो लोअर कास्ट है वो आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, है ना। जो जनरली जो लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं वो गरीब होते हैं। सो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया मेनी पीपल्स बिलोंग टू सोशली बैकवर्ड कास्ट आर ऑल्सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स। मीन्स जो इंडिया की बात किया जाए बहुत पहले से ये जो चली आ रही है कि जो सोशली जो बैकवर्ड है, जो जिसे हम दलित या फिर हरिजन या फिर जो है अनटचेबल्स कहते थे, वो जनरली क्या होते हैं, गरीब होते हैं। जो सोशली जो बैकवर्ड है मीन सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो जाति के लोग हैं वो ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब होते हैं। कुछ जो लोग हैं जिनको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गया, बेटर वर्क मिल गया, तो वो जो है रिच हो गए हैं, वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो गया है। बट जो मैक्सिमम जो पीपल्स हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो पुअर ही होते हैं, वो गरीब ही होते हैं। अब इनकी जो स्थिति है उनको बेहतर करने के लिए नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉब्लम कंटिन्यू टू बी ग्रेटेस्ट चैलेंज इंडियन डेमोक्रेसी फेस टूडे। अब यहां पर आता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए जिससे ये जो इकोनॉमिक जो लेवल है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, बट ये जो प्रॉब्लम है वो अभी भी क्या है, हमारे बीच बनी हुई है, और ये जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटीज है उसको अभी भी दूर नहीं किया जा रहा है। डिफरेंट जो जॉब जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए गए, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, बट जो जो चीज होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, और ये जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटीज जिसको दूर होना चाहिए वो हमारे बीच अभी भी नहीं हो पाया है। यहां पर आता है कि जो गर्ल्स चाइल्ड है उसको जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। हमारे जो सोसाइटी में देखा जाए तो अभी भी जो गर्ल्स हैं या फिर अभी भी एक जो सोसाइटी से एक जो पर्टिकुलर जो सेक्शन से जो बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनको उतना ज्यादा वैल्यूज या फिर उतना ज्यादा उनको जो अपॉर्चुनिटी जो है दिया जाता ना चाहिए वो नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ पर पुअर मैन है वो दिखाई दे रहा है, जो है जिसे हम बेगर्स भिखारी के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जो लोग हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा, ये तो हो गया आपके इकोनॉमिक इक्वलिटीज। नेक्स्ट जो है जेंडर इनइक्वलिटी, जो लिंग के आधार पर जो मेन या फिर वुमेन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर असमानता है वो देखने को मिलती है। जेंडर इनइक्वलिटीज इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डेट हैड बीन प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स नाउ। मीन्स यहां पर क्या होता है कि ये जो जेंडर इनइक्वलिटीज है, मीन जो
जो मेन या फिर वुमेन है उनके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अभी की बात नहीं है, ये जो हजारों सालों से बहुत पहले से ही ये जो चीजें हैं वो होती आ रही है। द गर्ल्स चाइल्ड इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फूड एंड एजुकेशन। हमारे सोसाइटी में अभी भी बहुत सारे ऐसे जो सेक्शन है, बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिटीज हैं जहां पर गर्ल्स हैं उनको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, उनको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, उनको हेल्थ केयर उनके स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, उनको बेहतर फूड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, उनको एजुकेशन नहीं मिलता है। ये जो है बहुत सारे जो सोसाइटी में ऐसा होता है कि किसी किसी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या फिर आपने अपने आसपास देखा होगा, बट अधिकांश जो एजुकेटेड जो फैमिलीज है वहां पर ये जो चीजें हैं वो चेंज हो गई है, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जो एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे जो सोसाइटी में लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। अब आपके जो फीमेल जो फोर्टिसाइट्स है उसकी हम बात करें, जो बच्चियां जो गर्भ में जिसको खत्म कर दिया जाता है या फिर जो इन्फेंटिसाइट्स है, जो फीमेल जो भ्रूण है जो कन्या है उनको मारा जाता है, छोटे छोटे जो बेबी जो जन्म लेते हैं वो बच्चियां हैं तो उनको कचड़े पर फेंक दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है। क्या हुआ माँ? दादी क्या कह रही थी, बच्चा गिरा दो मतलब? कुछ दिनों बाद डॉक्टर बताएंगे कि मेरी कोख में लड़का है या लड़की। और अगर लड़की हुई तो बच्चा गिरा देंगे, उसे उसे कोख में ही मार देंगे। मुस्कान पर ऐसा क्यों माँ? पता नहीं लोग लड़कियों को लड़कों जितना काबिल क्यों नहीं समझते। क्या आपको लड़की ही चाहिए? लड़का हो या लड़की हम कौन होते हैं चुनने वाले, जीवन उसका हक है। तो ये बात बाकी क्यों नहीं समझते? शायद समझना ही नहीं चाहते। तो ये जो जो चीजें हैं हमारी सोसाइटी में अभी भी हमें देखने को मिलता है, ये पहले बहुत ज्यादा होता था बट अभी बहुत सारे जो लॉज हैं और लोगों जो एजुकेट होते जा रहे हैं तो ये जो चीजें चेंज हो रही है, बट अभी भी कहीं कहीं पर ये जो चीजें हैं कि जो बच्ची को जो है उनके माँ के गर्भ में ही उसको मार दिया गया, आपको मूवी सीरियल्स वगैरह में देखने को मिलेगा, या फिर उसका लिंग जांच करवाया गया और उसको क्या है जैसे ही पैदा हुआ था मार दिया गया, या फिर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको कचड़े पर फेंक दिया गया, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं आपको देखने को जानने को सुनने को मिलेगा। सो ये जो एविल्स ये बुराइयां हैं वो सिर्फ गांव में नहीं होता है, जो एजुकेटेड जो अर्बन जो फैमिलीज हैं जिनकी जो सोच है वो वही पुरानी जो स्टीरियोटाइप्स वाली है कि जो बच्चियां हैं बालिकाएं हैं गर्ल्स हो गया तो हम उसका क्या करेंगे। सो ये जो चीजें हैं इसके कारण से ये सभी जो चीजें हैं होती है। साथ ही साथ इसमें कुछ जो चीजें और है कि जो डिमांड फॉर डोरी एंड डोरी मेड ऑन द पेरेंट्स ऑफ द ब्रिज इज अनदर एग्जांपल ऑफ सोशल इनजस्टिस। अब यहाँ पर डोरी जो दहेज प्रथा है, अगर भाई बच्चे का हो गया तो शादी करना है बच्ची का तो हमें दहेज देना पड़ेगा, हमारे पास तो उतना इनकम नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम कहां से दे पाएंगे, इसलिए इस बच्ची को ही खत्म कर दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये एक जो चीज कहावत है कि भाई ये बच्ची इस खत्म हो जाएगी तो हमको जो आगे आने वाले जो समय में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो अभी हम ही इसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो सोच है ये जो एक जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं उन पर अभी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक आपको बच्ची दिखाई दे रहा है जो किस तरीके से काम कर रही है, एक लड़का जो है मजे से खेल रहा है बच्चा है ना। तो इस तरीके से जब हमारी सोसाइटी है बेटा वहां पर हमें देखने को मिलता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। सो इसको चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ द लॉज, कुछ जो लॉज है वो पास आउट किए गए, कानून बनाए गए हैं, कुछ कानून तो बनते ही हैं तोड़ने के लिए है ना। सो स्पेशली इनहेरिटेंस लॉज मीन जो ये जो संपत्ति का जो बंटवारा है ना, जो विरासत वाली बात किया गया है, लॉज जो इंट्रोड्यूस किया गया था आर बेस्ड आवर्स इज हमारे यहाँ जो पैट्रिचल जो सोसाइटीज है जहां पर जो घर का जो मुखिया होता है डेट इज अ मेन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड द फैमिली नेम्स इज ट्रेस थ्रू द मेल लाइन्स।
मीन जो फैमिली का जो हेड है वो मेल मेल होगा, और जो फैमिली का जो नाम है, जो सरनेम वाली बात करते हैं, है ना, तो वो जो है क्या होता है कि उन्हीं जो मेल है उनका सरनेम जोड़ा जाता है फीमेल है। जैसे मेरे पिताजी का सरनेम मेरे पे आएगा, मेरी माँ का जो सरनेम था वो नहीं आएगा। मेरी माँ का जो सरनेम क्या हो जाएगा, मेरे जो पिताजी से शादी करने के बाद, मेरे जो फादर से शादी करने के बाद उनका जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है। जो शर्मा थी वो है क्या हो गई, अब वर्मा बन गई। सो इस तरीके से जो ये जो चीजें है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो इन इंडिया वुमेन्स आर नॉट गिवन देयर शेयर ऑफ देयर फादर्स प्रॉपर्टी इवन टूडे। अभी भी कई ऐसे जो जगह है, भले हमारे यहाँ एक इनहेरिटेंस जो लॉज है वो पास आउट किया गया, एक इंट्रोड्यूस किया गया, बट अभी भी जो वुमेन्स है, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके जो फादर के जो प्रॉपर्टी है वहां पर इक्वल जो राइट्स है वो नहीं दिया जाता है। बट अभी एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो ये जो चीजें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने लगा है, बट बहुत जगह अभी भी और ज्यादातर ऐसा होता है बेटा कि जो वुमेन्स है, महिलाएं हैं, वो इस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं और वो नहीं चाहते कि भाई हम जो है हमारे पापा का जो प्रॉपर्टी है उसको ले, क्योंकि वो जो है एक भावनात्मक जो है जुड़ाव चाहते हैं, है ना, इमोशनल जो कनेक्शन है वो चाहते हैं। प्रॉपर्टी तो उनके हस्बैंड के पास भी है, उनके पास जो प्रॉपर्टी मिला है तो उन्हीं से वो खुश होते हैं। बट कई ऐसे जगहें होती है जहां पर कुछ वुमेन जो चाहती हैं कि वो शेयर उनके फादर्स में के प्रॉपर्टी पर मिले, बट कोई जो देने वाले उनको नहीं होते, फिर ये जो है कानूनी लड़ाई जो है आगे चलती जाती है। सो थ्रू द लॉ हैज गिवन हिंदू वुमेन्स इक्वल राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर वुमेन्स आर एक्चुअली गिवन अ शेयर ऑफ देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये जो चीजें हैं कि भाई हिंदू वुमेन्स को, जो महिलाएं हैं उनको कानून बनाया गया है, उनको देने का अधिकार है, बट अभी भी इसमें बहुत सारे पचड़े हैं या लड़ाई लड़नी पड़ती है। बट एक समय ऐसा भी था जब हमारे यहाँ जो महिलाओं को इक्वल जो राइट्स है मेन के अगेंस्ट, बराबर जो इक्वल जो राइट्स है वो वैदिक एज या फिर उससे पहले दिया जाता था, बट बाद में समय के अनुसार से चेंज हुआ और ये जो सिस्टम से, जैसे हम स्टूडियो टाइपिंग की बात करते हैं, वो चीजें जो है आने लगी, जो धारणाएं हैं, जो कंटिन्यू चली आ रही परंपराएं हैं वो चलने लगी और महिलाओं के साथ बहुत सारी जो चीजें हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, वो होने लगा। अब यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा नंबर ऑफ स्टेप्स हैज बीन टेकन फॉर द इमेंसिपेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए गए हैं, जिनका रिजल्ट भी है हमें कहीं पर देखने को मिलता है। सो एजुकेशन ऑफ द गर्ल साइड इज बिगन गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, मीन जो महिलाएं हैं तो उनको जो है एजुकेट करने का प्रयास किया गया। अभी देखोगे आप बेटा कि आपके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, आपके आसपास जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिसेज है, वहां पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मेल्स के मुकाबले फीमेल्स है, वुमेन्स है, उसका नंबर ज्यादा है। हमारे स्कूल में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स के जो नंबर्स हैं वो बॉयज के नंबर से ज्यादा है। मीन ज्यादातर जो बच्चे बच्चियां हैं वो आजकल स्कूल अटेंड कर रही हैं, वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। बट अभी जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, जिसपे जो हमारे आईएएस जो अधिकारी बनते हैं, तो वहां पर भी जो है टॉप में देखा जाए तो हमारे गर्ल्स ही हमें नजर आते हैं। तो अभी जो है मैक्सिमम जो फील्ड्स है वहां पर तगड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है और वुमेन्स या फिर मेन्स या फिर गर्ल्स या फिर बॉयज वाली बात नहीं है। अब मायने रखता है टैलेंट, किसमें कितना ज्यादा टैलेंट है। तो चलिए डिफरेंट फील्ड्स में हमारी महिलाएं कितने आगे हैं उसके बारे में देखते हैं। 75 साल की आजादी इस देश की महिलाओं की हकीकत है। उनके हर सांस में है आजादी। अगर किसी ने कोई चीज करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो, और इस जज्बे के पीछे है। तो ये रही हमारी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो पावर है वो दिखा रहे हैं। आगे हम बुक्स में चलते हैं बेटा। सो लॉज टू प्रोहिबिटेड डोरी एंड चाइल्ड मैरिज हैव टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन टू इन ऑल स्मॉल वेज। अब यहाँ पर कि भाई जो कुछ जो ऐसे जो सुधार प्रयास किए गए, जैसे जो दहेज प्रथा है, डोरी जो सिस्टम है उसको बंद किया गया, चाइल्ड जो मैरिज है मीन बच्चियों का जो विवाह जो है बचपन में 4-5 साल के जो एज में उनका कर दिया जाता था उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। देन
अभी अभी आपको देखने को मिला होगा कि जो पहले जो 18 इयर्स था गर्ल्स का जो मैरिज है उसको चेंज कर अब जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 21 कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा जो हमारे जो बच्चियां हैं, हमारे जो बेटियां हैं, हमारी जो बहने हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको जो है और ज्यादा मजबूत बनाने का जो प्रयास है वो हमेशा किया जा रहा है। So, if women are educated and economically independent, they will be able to understand and fight better for their rights. अगर महिलाएं जो है क्या होगी, एजुकेट होंगी, वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो सक्षम होगी तो वो अपने अधिकार के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती है। अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो वो उसकी आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। अगर वो इकोनॉमिक रूप से जो है किसी पर डिपेंड है तो उनके साथ वो सामने वाला गलत भी कर रहा है तो भी वो जो है उसके अगेंस्ट अपनी बातों को नहीं रख सकते और उनको प्रॉब्लम है वो फेस करने पड़ेंगे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन स्पेशल कॉन्सेशंस टू वुमेन्स इन वेरियस फील्ड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो वुमेन्स के लिए किया गया है। 33% जो सीट्स हैं वो पार्लियामेंट हाउस में रिजर्व कर दिया गया है। मीन जो हमारे जो एमपी जो बन के जाएंगे तो उसमें 33% जो महिलाएं होंगी, बट अभी भी ये जो नंबर्स है 33% हम अचीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो तो नंबर ऑफ जो सीट्स है वो भी कम देते हैं महिलाओं को चुनाव में खड़े होने के लिए इलेक्शंस में, बट अगर खड़ी भी हो जाते हैं तो भी जो है हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनको उतने ज्यादा वोट कास्ट नहीं करते हैं जिससे वो जो है इलेक्शन जीत सके। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो महिलाएं हैं और उनके द्वारा बेहतर वर्क किया गया है। एक जो हमारे पिछले जो एमपीस थे, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज जी का नाम जानते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, वो तो ये सभी जो एक महिलाएं थी और इनके द्वारा प्रयास है वो हमेशा ही किया गया ताकि जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है उसको आगे और ले जाया जा सके। सो नेक्स्ट आता है कि जो ये जो तो प्रयास है हमारे गवर्नमेंट्स के द्वारा हमेशा किया जा रहा है ताकि जो इनकी जो स्थिति है उनको सुधारा जा सके, बट इट इज एन अपहिल टास्क टू रिमूव सेंचुरीज ऑफ इनजस्टिस, ह्यूमिलेशंस एंड लॉपसाइडेड डोमिनेशंस बाय ओनली एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। मीन्स ये जो चीजें हैं ये बहुत पहले से चली आ रही है ना, दशकों से चली आ रही है जो चीज है कि जो महिलाओं के अगेंस्ट जो प्रिजडीज डिस्क्रिमिनेशंस या फिर स्टीरियोटाइपिंग्स है तो उनको दूर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो जो है लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है और किसी के दिमाग में घुसकर उसको बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वर्क है। बट ये जो प्रयास है वो धीरे धीरे किया जा रहा है, कई फील्ड से कई एरियाज पर हमें सफलता भी मिली है, बट अभी भी कुछ एरियाज कुछ जो सोसाइटीज है वहां पर ये जो चीजें हैं जिनको बहुत ही जल्दी दूर करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है आप लोगों को जो है क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा और ऐसे जो गलत चीजें हैं उसको हमें दूर करना होगा। सो प्रेजुडिस सेंचुरीज टू रिमेंस अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन एंड जेंडर। मीन्स हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो ये जो प्रेजुडिस है पहले से लोगों के मन में एक जो धारणा है, जो सोच है, पहले से जो सोच आ जाती है कि जो ये जो कास्ट से पर्टिकुलर कोई एक जो कास्ट जाति से रिलेटेड, कोई जो धर्म से रिलेटेड या फिर कोई जो जेंडर से रिलेटेड, ये अभी की नहीं है, ये बहुत सेंचुरी से हजारों सालों से सैकड़ों सालों से चली आ रही है, तो इनको दूर करना है। सो इसके लिए हमारी सोच को ही बदलनी होगी। सो कास्ट क्लासेस कम्युनल वायलेंस एंड डोरी डेथ आर कॉमन इवन टूडे। मीन जो जाति के आधार पर लड़ाई झगड़े होना, ऊंची जाति नीचे जाति वाला या फिर रिलीजियस या फिर कम्युनल जो राइट्स है, डिफरेंट जो कम्युनिटी के जो लोग है आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम की हमने बात किया, किसी के यहाँ जो हिंदू और मुस्लिम जो है बॉयज एंड गर्ल्स मैरिज कर लेते हैं उनमें, सो ये जो है एक कम्युनल जो राइट्स के रूप में आ जाता है और जो है एक दूसरे को मार काट के रूप में आ जाते हैं। सो साथ ही साथ डोरी जो डेथ है में दहेज के लिए जो महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, उनका मर्डर तक कर दिया जाता है, तो ये जो चीजें हैं बेटा इवन जो है अनएजुकेटेड फैमिली में उतना ज्यादा नहीं होता, ये जो चीजें एजुकेटेड जो फैमिलीज है वहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके लिए लोगों की सोच को बदलनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो एन एटीट्यूड चेंज इज एसेंशियल टू ओवरकम दिस सोशल ऑब्स्टेकल्स एंड ओनली एजुकेशन कैन ब्रिंग दिस इन। अब ये जो क्या चीज है कि जो ये जो एटीट्यूड बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ एजुकेशन है,
मोटिवेशन है वो ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कानून बना दिया गया बट कानून को तो फॉलो हमें ही करना है ना, और उसके लिए हमारी जो सोच है वो बदलनी होगी, हमारे जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी सोच बदलनी होगी। कहते हैं कि जो हम बदलेंगे तो पूरा जो युग है, पूरा जो सोसाइटी है, समाज है, वो चेंज होगा, वो बदलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले सिर्फ हमें बदलना जरूरी है, हम बदलेंगे तो हमारा सोसाइटी बदलते जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा कि जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स डाइवर्सिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, हमारा जो संविधान है वो कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, और ये जो है प्रोटेक्ट करता है हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो विभिन्नताएं हैं उनको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो उनको एकता में बांधने का जो काम करता है, वो उनको यूनिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आपको पता है कि वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1915 में हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया, और इसी कारण से हम जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। किस कारण से करते हैं बेटा, क्योंकि इस दिन हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को, इस कारण से इस दिन हम रिपब्लिक जो गणतंत्र दिवस है वो मनाते हैं। सो इट इज अ वाइटल डॉक्यूमेंट दैट कॉन्टेन द बेसिक फ्रेमवर्क, यहां पर क्या होता है, एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, और कंट्री कैसा होगा, कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा, ये जो सभी जो चीजें हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाई देता है, और इसमें क्या क्या चीजें जो इंक्लूड किया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो वाइटल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं किससे, गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू हमारे जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा कंट्री कैसा रन करेगा, साथ ही साथ जो यहाँ के जो पीपल्स है उनका, जो यहाँ के जो सिटीजन है उनका क्या राइट्स होंगे, उसको बेटर डेवलपमेंट के किस तरीके से चांस मिलेंगे, ये जो सभी जो चीजें हैं क्लियरली जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। हमारे जो प्रीएम्बल्स है, मैं जो इसके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रस्तावना दिया गया है सामने में, जो उसका जो स्ट्रक्चर आईना आया है कि पूरे जो इनर पार्ट्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो वो जो है प्रीएम्बल से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या फिर जिसे इसका इंट्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे आपके जो बुक्स में आप देखोगे तो कॉन्टेंट आपको मिलता है जिसमें आप देखते हैं कि जो आपके बुक्स में कौन कौन से जो चैप्टर्स है उसके नेम क्या है, आपको स्टार्टिंग पेज से ही पता चल जाता है। सो ये जो इंट्रोडक्शन है टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गारंटीज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, मींस जो हमारा जो इंडिया है उसको क्या किया गया है, एक जो समाजवादी है ना, सोवरेन सार्वभौमिक, हम किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है, हमारी जो सामाजिक सोशलिस्ट है, एक जो सामाजिक जो व्यवस्था ऐसा है जहां पर हम किसी भी धर्म को, सेक्युलर कंट्रीज है, किसी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, हमारे जो कंट्री के कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग यहां पर इक्वल हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहां पर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है, जहां पर जो है पीपल्स है वो अपने जो रूलर्स है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करते हैं और वो उनके वेलफेयर के लिए वर्क करता है, सभी को जो है गारंटी जो है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो जस्टिस न्याय दिलाने के लिए उनको राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन एन इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट ऑफर टू ऑल सिटीजन दोज बेसिस फ्रीडम विच अलोंग कैन मेक लाइफ सिग्निफिकेंट एंड डेमोक्रेसी फ्रूटफुल, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक जो फंडामेंटल राइट्स दिया, मीन्स यहाँ के जो जितने भी जो इंडियन जो सिटीजन है उनको एक जो बेसिक जो अधिकार है, सार्वभौमिक जो है अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है उनको दिया जाएगा, और यहाँ पर ये जो है जितने भी जो सिटीजन है, इंडियन जो सिटीजन है वो सभी को दिया जाएगा, किसी प्रकार के उस पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, हायर एजुकेटेड हो, लो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी जो है जेंडर से बिलोंग करता हो, सभी को जो इक्वली जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ताकि जो है यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनका लाइफ है वो बेहतर तरीके से चल सके, साथ ही साथ जो डेमोक्रेटी है, हमारा जो डेमोक्रेसिक जो सिस्टम है वो भी बेहतर तरीके से रन कर सके और कंट्री जो है डेवलप कर सके। सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, को जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया बेटा कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी है, आपको कोई भी जो धर्म है वो आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को कभी भी अपना सकते हैं,
देन राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, सभी जो है समान है, इक्वली है बिफोर कानून के नजरों में सभी समान है। अगर मैंने कोई क्राइम किया तो भी मुझे वही सजा मिलेगी जो जो रिच पर्सन है उनको सजा मिलती है। बट कुछ जो चीजें हैं कि जो अगर मैं भाई मैं गरीब हूं, मेरे पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, बट एक जो रिच पर्सन है वो क्या है, वकील कर सकता है, वो जो है सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ, या फिर गलत तो तथ्य पेश करके वो बच सकता है। बट कानून जो है अगर वो कोई गिल्टी प्रूफ हुआ, मैं भी गिल्टी प्रूफ हुआ, तो दोनों को इक्वली जो है पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी, आपको आप जो है कुछ भी चीजें बोल सकते हैं, बट किसी को गाली गलौज दे रहे हैं, आप किसी पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक लिमिटेशन होना चाहिए। और उनके भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर उनके जो उनको जो फंडामेंटल राइट दिए उनका वायलेशन आप नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो बेसिक जो आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए, राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारे आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं। देन नेक्स्ट जो आता है बेटा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होता है, इनफोर्स होता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मींस कानून के द्वारा उनको क्या किया जाता है, इनफोर्स किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। जैसे यहां पर द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजन। राइट टू जो इक्वालिटी है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। कैसे, क्योंकि ये जो है सभी को इक्वल मानता है ना, सभी के लिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कंट्री है वो समान है, कोई जो है छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं, सभी इक्वल है। दिस मीन्स दैट नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस और इकोनॉमिक स्टेटस। मीन्स भाई किसी को हम जो उसका जो लिंग है, कोई मेन है, वुमेन है, या फिर ट्रांसजेंडर है, कास्ट किसी की जाति ऊंची जाति का है कि वो दलित है, रिलीजन किसी भी जो धर्म, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये चीजें कभी भी नहीं देखा जाता है। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उसका, कि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है कि रिच पर्सन है, ये भी चीजें हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखा जाता। सभी को इक्वली जो है अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है, सभी के लिए राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है। बट कुछ जो चीजें ऐसी है कि जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट हमको लगता है, क्योंकि भाई ये आपका जो राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है तो सभी को इक्वल समझना चाहिए, बट कुछ जो सीट्स है रिजर्व कर दिए जाते हैं, तो उसका भी एक रीजन था बेटा कि जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको इक्वल करने के लिए कुछ जो स्पेशल जो है ट्रीटमेंट करना भी जरूरी होता है। सो इनके लिए ये जो कुछ जो रिजर्वेशन वाली जो सुविधाएं हैं वो स्कॉलरशिप स्कीम्स है या फिर और कुछ जो ऐसे जो योजनाएं प्लानिंग है वो किए जाते हैं। देन इफ दिस राइट इज वायलेटेड यू कैन सीक इट्स इन्फोर्समेंट थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ। द फंडामेंटल राइट्स आल्सो इंश्योर दैट सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइसेस। मीन्स अगर यहाँ पर आपको जो राइट टू इक्वालिटी या फिर किसी भी जो फंडामेंटल राइट्स का क्या किया जा रहा है, उसका वायलेशन किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं। और लास्ट में जो राइट्स हमें दिया गया है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं कि किसी के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर शोषण एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है तब हम कोर्ट में केस कर देंगे, और डायरेक्टली सीधा सीधा कोर्ट है उस पर जो है केसेस की सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और जो कोई अगर कोई पर्सन है, कोई संस्था है, अगर वो गलत कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो कोर्ट के द्वारा उनको रिट जो है एक आदेश पारित किया जाएगा और उनको सजा भी हो सकती है। तो ये जो बहुत सारे जो अधिकार हैं वो हमें दिए गए हैं, और हमेशा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो डाइवर्सिटी है उनको इनकरेज करता है। मीन्स हमेशा हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डाइवर्सिटी है वो कितना ज्यादा जरूरी है, विभिन्नताएं होंगी तभी जो है हमारा जो लाइफ है वो बेहतर तरीके से चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, हमें एंजॉयमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पर ये तो चैप्टर्स का भी मेन जो पॉइंट्स है, लास्ट में बेटा डू यू नो के रूप में आया है, क्या आप जानते हैं जो वर्णास या फिर जो कास्ट सिस्टम्स की बात करते हैं बेटा, ये जो है अभी के हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये जो इसके बारे में हिस्ट्री में भी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो वीडियो है वहां पर भी इसके बारे में कुछ चीज बताया था कि जो हमारा जो सोसाइटी है वो 4 जो डिफरेंट जो कास्ट है, आपके जो ब्राह्मीण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास में क्या है डिवाइडेड है, और जो लास्ट में जो
ऐसे जो सोसाइटी के जो लोग थे जिसे हम दलित के रूप में जानते हैं, तो उसे एंटी शूद्रास या फिर जिसे आउटकास्ट कहा जाता था, वो जो फोर जो कास्ट सिस्टम थे उसमें भी वो शामिल नहीं थे। ब्राह्मण्स का काम होता था कि जो ब्राह्मण्स है वो पूजा पाठ करना है, यज्ञ हवन करना है, तो उसके काम में जो ब्राह्मण्स लगते थे। क्षत्रियास होते थे, उनका जो रोल होता था कि वो वॉरियर्स होते थे, वो लड़ाई लड़ने जाते थे, राजा महाराजा हैं, जो सैनिक हैं वो क्षत्रिय, वो क्षत्रियास और क्षत्रिय जो जाति से बिलोंग करते थे। देन वैश्यास होते थे, वो ट्रेडर्स मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी लोग होते थे। देन लोअर जो कास्ट सबसे जो नीचे लेवल पे होते थे वो जो होते थे शूद्रास, जो किसी के यहाँ जाकर काम करने वाले होते थे, किसी के घर में बर्तन मांजने, नालियों की सफाई करने वाले, ये शूद्रास। और उससे भी जो नीचे वाले जो लोग होते थे जिसे एंटी शूद्रास या फिर जो अनटचेबल कहते थे, जैसे नालियों की साफ सफाई करना है, जले हुए लोगों को दफनाना जलाना है, तो ऐसे जो काम करते थे ये जो शूद्रास और एंटी जो शूद्रास थे उनको वार्सिप, प्लेस ऑफ वार्सिप है वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं होता था। रिवर है वहां पर, वो वेल्स है वहां से पानी ले सकते थे। और पब्लिक जो प्लेसेस है उनको जो ये जो थ्री जो डिफरेंट जो कास्ट वाले उनके साथ इक्वली चलने की उनकी आजादी नहीं थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन बेटा अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे सोसाइटी में हमको देखने को मिल रहा है और इसको हमको दूर करना है। धीरे धीरे दूर हो भी रहा है, बट अभी कई ऐसे जो फील्ड्स है जहां पर हमें और इसको दूर करने की जरूरत है। सो बेटा यहां पर मेरे द्वारा ये जो चैप्टर का जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई, होपफुली बेटा ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है बेटा, तो कमेंट जरूर कीजिए या फिर जो डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है बेटा वो ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है, उसका जो लिंक है आपको ऊपर में मिलेगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी आपको उसका जो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसका जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर जो वीडियोज है, अदर जो चैप्टर है उसका भी आपको प्रॉपर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।